फ्रेंड्स, वेलकम टू जी वर्ल्ड एजुकेशन पॉइंट, अ स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। आज है 1 जुलाई और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जी के एंड करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले आपके सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इन क्वेश्चंस को। उससे पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों के साथ ये शेयर हो सके। तो आइए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज। 1 जुलाई किस तरीके से सेलिब्रेट, किस दिन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? तो 1 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज डॉक्टर्स डे। 1 जुलाई हमारे देश में हर साल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। अब बात आती है कि डॉक्टर्स डे के रूप में क्यों मनाया जाता है। एक ग्रेट फिजिशियन थे और जो वेस्ट बंगाल के सेकेंड चीफ मिनिस्टर भी थे, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, उनकी याद में इस दिवस को मनाया जाता है। आइए चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन डेवलप एंड इंटेंसिव केयर यूनिट ICU ग्रेड वेंटिलेटर अंडर द नेम ऑफ प्रोजेक्ट प्रणा। प्रोजेक्ट प्रणा के नेम के अंडर किस इंस्टीट्यूशन ने एक इंटेंसिव केयर यूनिट वेंटिलेटर डेवलप किया है? इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने इसे डेवलप किया है। अब यहाँ पे और दो टर्म आई है, एक एम्स और एक IIT। IIT की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और एम्स की फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इतना आप इसके बारे में याद रखें। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, माइकल मार्टिन रिसेंटली टुक चार्ज एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री के एज अ प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने चार्ज लिया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। माइकल मार्टिन ने आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के रूप में अभी हाल ही में चार्ज लिया है। तो अब बात आई है आयरलैंड की। दोस्तों, मैप के अंदर आयरलैंड की लोकेशन यहाँ पे है, आप देख पा रहे होंगे। आयरलैंड की जो कैपिटल है उसका नाम है डबलिन। आयरलैंड के प्रेसिडेंट का नाम है माइकल डी हिगिंस। आयरलैंड के अभी हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर बने उनका नाम है माइकल मार्टिन। और आयरलैंड की जो करेंसी है वो है द यूरो। इतना आप आयरलैंड के बारे में ज़रूर याद रखें। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री प्लान्स टू एस्टेब्लिश अ परमानेंट मिलिट्री बेस इन द इंडियन ओशन बाय मार्च 2021। मार्च 2021 तक कौन सी कंट्री है जो इंडियन ओशन में अपना एक परमानेंट मिलिट्री बेस सेटअप करना वाली है? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान। ईरान वह कंट्री है जो इंडियन ओशन के अंदर एक परमानेंट बेस अपना मिलिट्री का सेटअप कर रही है। अब बात आई है ईरान की। तो ईरान की कुछ बात कर लेते हैं। मैप में ईरान की लोकेशन है यहाँ। ईरान की कैपिटल का नाम क्या है? तेहरान। ईरान के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? हसन रूहानी। ईरान की करेंसी क्या है? ईरानियन रियाल। इतना आप ईरान के बारे में ज़रूर याद रखें। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर अनाउंस द लॉन्च ऑफ गोधन न्याय योजना इन द स्टेट ऑन June 25, 2020। June 25, 2020 को किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने एक योजना का अनाउंस किया जिसका नाम है गोधन न्याय योजना? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने इस योजना को लॉन्च करने के लिए कहा है। अब बात आती है इस गोधन न्याय योजना के तहत होना क्या है। लोगों के अंदर पशुपालन का को बढ़ावा देने के लिए उनको एक अलग से एक चीज़ प्रोवाइड की जा रही है जिससे वो पशुपालन ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। और वो क्या है कि वो गाय के गोबर को जो है वो खरीदना शुरू कर रही है सरकार। और उसका करना क्या है, उससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने की बात कही जा रही है जिससे कि खेती को भी ऑर्गेनिक किया जा सके। तो इस चीज़ के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो मैप में छत्तीसगढ़ की लोकेशन क्या है? यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के CM का नाम क्या है? भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के गवर्नर का नाम क्या है? अनुसुईया उकई। ये इतना आप छत्तीसगढ़ के बारे में ज़रूर याद रखें। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इंपीरियलिज्म वॉज प्रोपाउंडेड बाय। जो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन है ब्रिटिश शासन के दौरान, वो किसने दी थी? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने इस थ्योरी को दिया था। इस थ्योरी के तहत ये बताया गया था कि जिस तरीके से ब्रिटिश जो है वो इंडिया के इकोनॉमिक जितनी भी चीज़ें उनको
ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि उसको एक तरीके से ले रहे हैं, वेल्थ का यूज़ कर रहे हैं, उसको ड्रेन कर रहे हैं। इस थ्योरी के अंदर ये चीज़ बताई गई थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन गिवन द पावर अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 टू ग्रांट लाइसेंस टू बैंक। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर किसको पावर दी गई है जो बैंक को लाइसेंस देगा। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आरबीआई। आरबीआई को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ये पावर दी गई है कि वो बैंक्स को लाइसेंस देगा। अब बात आई है आरबीआई की। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई का प्रेजेंट टाइम पे हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। और आरबीआई के जो प्रेजेंट टाइम के गवर्नर, उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास। इतना आप आरबीआई के बारे में ज़रूर याद रखें। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक अभी इंडिया में सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। अब बात आई है एचडीएफसी की, तो एचडीएफसी के बारे में थोड़ी बात करते हैं। एचडीएफसी की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1994 में। एचडीएफसी के अभी प्रेजेंट टाइम पे जो सीईओ है उनका नाम क्या है? आदित्य पुरी। और एचडीएफसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। इतना आप एचडीएफसी के बारे में याद रखें। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रा गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विद विच स्टोप स्पोर्ट्स। इलेक्ट्रा जो गोल्ड कप है ये किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेबल टेनिस। इलेक्ट्रा गोल्ड कप जो है वो टेबल टेनिस के साथ जुड़ा हुआ है। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इन विच ईयर सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन वॉज अवार्डेड नोबल प्राइज़ फॉर रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट के लिए उनको नोबल प्राइज़ कब दिया गया था? इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 के अंदर। 1930 के अंदर सर रमन को नोबल प्राइज़ दिया गया था। किस चीज़ के लिए? रमन इफेक्ट के लिए, जो कि एक फिज़िक्स की थ्योरी है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों के साथ इन्हें शेयर कीजिए ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सके और अपने आने वाले एग्जाम्स के अंदर अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर लिसनिंग।